धर्मा प्रोडक्शन के अंडर बनी लेटेस्ट मूवी योद्धा का ट्रेलर हो चुका है आउट। आई मस्ट से बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इसकी जो है मार्केटिंग की जा रही है। सबसे पहले पोस्टर लॉन्च किया तो भाई स्काई डाइविंग करके हाईएस्ट पोस्टर लॉन्च किया, अब ट्रेलर लॉन्च किया तो प्लेन के अंदर जाके लॉन्च किया, तो काफी क्रिएटिव मार्केटिंग आई वुड से। तो दिस इज अ गुड थिंग क्योंकि आज के टाइम पे जो सारी मार्केटिंग है वो सोशल मीडिया पे आ चुकी है, बट अदर देन सोशल मीडिया जो मार्केटिंग है वो भी काफी अच्छे तरीके से की जा रही है। इस मूवी की बात करूं ट्रेलर की तो आई थिंक पूरी की पूरी स्टोरी लाइन जो है वो रिलीज कर दी गई है। योद्धा एक स्पेशल यूनिट का नाम है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के फादर थे और सिद्धार्थ मल्होत्रा का लाइफ का गोल यही है कि उसको भी उसी यूनिट के अंदर जाना है और देश को सर्व करना है, और वाइल सर्विंग द कंट्री उनके ऊपर कोई इल्जाम लगता है जिसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। देन अगेन एक प्लेन हाईजैक होता है जिसके अंदर सिद्धार्थ भी प्रेजेंट होते हैं और फिर वो वापस से अपना वो जो नाम कमाते हैं अपने देश के लिए, अपनी लॉयल्टी साबित करते हैं और कैसे उस हाईजैक को रोकते हैं, ये बेसिकली जो है कहानी होने वाली है। अब क्या ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है मेकर्स की तरफ से कि उन्होंने पूरा स्टोरी लाइन ही रिवील कर दिया है, या स्टोरी के अंदर कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे जिनके बारे में अभी ट्रेलर में नहीं बताया गया, ये जब मूवी आएगी तभी पता लगेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूं तो काफी सॉलिड लग रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा है। मेकर्स की बात करूं तो शेर शाह जिन्होंने बनाई थी वही टीम है जो ये वाली मूवी भी बना रही है जिसका नाम योद्धा है, तो आई थिंक मूवी अच्छी होगी क्योंकि शेर शाह इज अ क्लासिक, मतलब कभी भी देखी जा सकती है। एक बेहतरीन परफॉर्मेंस थी एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज, स्टोरी लाइन वाइज, कैमरा वर्क वाइज, तो वैसा ही कुछ हो सकता है हमें योद्धा में भी देखने को मिले। ट्रेलर में मैं देखूं तो दिशा पाटनी जो है वो एवरेज लग रही है ट्रेलर के अंदर, बट राशि खन्ना काफी ज्यादा सूट कर रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात करूं तो इज लुकिंग एज यंग एज एवर, मतलब इससे यंग मैंने उन्हें शायद कभी देखा ही नहीं है, तो काफी ज्यादा यंग लग रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। ओवरऑल पूरे जो ट्रेलर की बात करूं जो प्लेन वाले सीन है वो काफी ज्यादा ऑथेंटिक लग रहे हैं, काफी ब्यूटीफुली जो उनको पिक्चराइज किया गया है जो ट्रेलर देख के समझ आ रहा है। अब ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिर से वही घिसा पिसा प्लॉट होने वाला है या कुछ नया लेके आएंगे वो जब मूवी आएगी तभी पता लगेगा, बट जितना ट्रेलर में बताया गया है शायद पाकिस्तान इंडिया वाला ही एंगल होगा, बट आई थिंक ये बहुत ज्यादा यूज हो चुका है रिसेंट टाइम के अंदर, तो क्या लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कुछ नया समझ के या फिर इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा ये जब मूवी आएगी तभी पता लगेगा। और ओवरऑल जो एक मूवी का फुल जो स्ट्रक्चर है वो मुझे अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से एक बेस तैयार किया गया है उसके बाद थोड़ा थ्रिलर दिखाया गया है, तो ट्रेलर तो सॉलिड लग रहा है, बाकी जब मूवी आएगी तभी पता लगेगा। कमेंट में बताओ आपको ट्रेलर कैसे लगा, मुझे ट्रेलर अच्छा लगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने रीसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा सॉलिड परफॉर्मेंसेस दी है, चाहे वो इंडियन पुलिस फोर्स हो चाहे वो शेरशाह हो, उनकी एक्टिंग टाइम बाय टाइम सुधरती जा रही है, इंप्रूवमेंट आती जा रही है, एंड एक्शन करते हुए वो काफी ज्यादा नेचुरल और जेन्युइन लगते हैं, तो धीरे धीरे उनकी जो एक इमेज क्रिएट होती जा रही है उसके हिसाब से मूवी काफी ज्यादा उनको सूट कर रही है। बाकी जब मूवी आएगी तब पता चलेगा कि इज मूवी अबाउट स्टोरी या सिर्फ सिद्धार्थ को ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। कमेंट में बता दो आपको ट्रेलर कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।